हेलो दिस इज मानसी वेलकम टू माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल इस सेशन में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर जिसका नाम है बॉक्सेस एंड स्केचेस सो चैप्टर के नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्राफ्ट करने वाले कोई एल्जेब्रा का बोरिंग सा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत सारा क्राफ्ट होगा एंड एज यू कैन सी मेरे पास भी काफी सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई है जिससे हम इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बना के समझ पाएंगे सो so, चैप्टर बिगेन हो रहा है पेज नंबर पे, so, पहला हमारा टॉपिक है स्वीट बॉक्स सो so, रामया वेन टू बाई स्वीट एक गर्ल है वो गए एंड उसने स्वीट्स परचेज करी द शॉपकीपर टूक अ पेपर कट आउट एंड क्विकली मेड अ लवली पिंक बॉक्स फॉर दी स्वीट्स तो तो वो स्वीट लेने उसने तो उसने देखा एक पेपर का था उसके पास फटाफट फड़ से उसको उसको बॉक्स बनाया और उसको उसमें स्वीट्स डाल के दे दी अब ये बहुत कॉमन है जब हम स्पेशली बेकरीज पे जाते हैं तो जो केक्स होता है केक के बॉक्सेस होते हैं या पेस्ट्री के बॉक्सेस होते हैं तो वहां पे क्या होता है वो बेसिकली एक पेपर का कटआउट होता है और वो फटाफट उसको बॉक्स बना लेते हैं ठीक है चीके? अभी हम वो भी बना के देखेंगे

दे रखा है कि आप इसको कट आउट करो और इसका बना लो बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपनी बुक को फाड़ो एक उसका ये तरीका हो सकता है कि आप ट्रेसिंग पेपर से किसी शीट पे इसको बना लो नाउ टू एक्सप्लेन यू गाइज वट आई हैव डन आई अ बेकरी अब यहाँ पे देखो जो पीछे आपको कट आउट दे रखा है वो एकदम इसी की तरह यही सारी उसमें कटिंग्स हैं ऐसे ही वहां पे भी कट्स हैं सो इस तरह का ही पीछे हमें दे रखा है अब हम इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ना ये दे रखा होता है कहाँ से लाइंस फोल्ड होंगी तो जैसे ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है अब हमें क्या करना है आफ्टर फोल्डिंग इट लाइक दिस यहाँ पे जो ये कट है दिस पीस आपको इसको इसमें इंसर्ट करना है सो आइल इंसर्ट इट लाइक दिस सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज करनी है तो यहां पर भी मैंने इसको इंसर्ट कर दिया ओके okay, सो so आप देख सकते हो इतना पार्ट मेरा बन गया है सेम चीज ऊपर वाला जो पार्ट है उसके साथ रिपीट हो गई सो आई सिंपली टेक दिस एंड अगेन इसको भी इंसर्ट कर देते हैं लाइक दिस देन यहां से इंसर्ट करेंगे लाइक like दिस So, इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको इंसर्ट कर लिया अब बचा ऊपर का पार्ट जो कि इस बॉक्स को क्लोज करेगा सो so, उसके लिए जस्ट मिनट इसको यहां पे कर लेते हैं सेट, ये हो गया, like this. And like this. अब हमें ऊपर वाले पार्ट का फ्लैप हमने इसको नीचे किया एंड यही जो हमारे पास कटिंग्स है इसी में ही इसको इंसर्ट कर दिया इस साइड से भी एंड सेम चीज करेंगे इस साइड से भी सो so, दोनों साइड से इंसर्ट कर दिया अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस विल हेल्प टू क्लोज बॉक्स तो इसको हमें इस तरह से अंदर से इसको ऐसे इंसर्ट करना है लाइक दिस so, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है ये इस तरह से हमने इसको इंसर्ट कर दिया एंड हमारा बॉक्स प्रिपेयर हो गया नाउ यहाँ पे तो था हाउ फास्ट यू कैन डू आप हाँ इसको कितना फास्ट फोल्ड कर सकते हैं सो मैंने तो टाइम लिया है बट अगर एक दो बार मैं भी करूँगी तो शायद मैं बहुत फास्ट इसको फोल्ड कर पाऊँ जैसे शॉपकीपर वाले कर लू बिकॉज वो तो डेली के कितने बॉक्सेस बनाते हैं है ना सो इस तरह से आप एक बॉक्स बना सकते हो कि अगर आपको बनाना है ट्राई करना है बुक के पीछे से ट्रेस करके खुद बना लो अदरवाइज आपको ये बॉक्स बेकरी शॉप पर आराम से मिल जाएगा बेकरी पे या स्वीट शॉप पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप भी उनसे कट आउट लेके ऐसे बना के देख सकते हो ठीक है आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे आफ्टर कमिंग होम राम्या अब उसने क्या किया जब वो घर जैसे अगर मान लो उसको इस तरह से स्वीट्स मिली तो उसने घर आके इसको अनफोल्ड किया कैसे उसने बॉक्स ओपन किया होगा स्वीट्स वगैरह निकाल ली एंड इसको सारे को इस तरह से ओपन कर लिया ठीक है अनफोल्ड करने के बाद देखो ये कैसा दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है ना तो अब उसने यहाँ पे कटिंग बनाई है कि सारा अनफोल्ड करने के बाद दोबारा से देख लेते हैं अनफोल्डेड द बॉक्स शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप और जितने भी एक्स्ट्रा फ्लैप्स थे उसने वो रिमूव कर दिए सो द कट आउट लुक लाइक दिस सो आप देख सकते हो इस तरह से एक कट आउट उसको मिल गया ठीक है नाउ शी से दिस आप देख सकते हो बबल के अंदर लिखा हुआ है दिस शेप मेक्स अ बॉक्स तो वो कहती है अच्छा इसका मतलब इस शेप से एक बॉक्स बनता है लेट मी सी वॉट अदर शेप्स विल मेक अब वो कहते हैं मैं देखती कैसे और और कौन कौन सी शेप हो सकते हैं जिससे बॉक्सेस बन सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो ए बी सी डी पार्ट्स में उसने अलग-अलग तरह के बॉक्सेस ट्राई करे तो हम भी यहाँ पे एक एक करके देखते हैं इनमें से कौन सा बॉक्स बन पाएगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यही है बॉक्सेस तो वट आर डन फॉर यू एस यहाँ पे जैसे चार पार्ट्स हैं तो मैंने उन चारों पार्ट्स के आपके लिए यहाँ पे कटआउट्स ऑलरेडी बना लिए हैं तो अब हम इसको एक एक करके क्या करेंगे फोल्ड करके देखेंगे कि इसमें बॉक्सेस बनेंगे या नहीं सो लेट सी दैट सो नाउ ए पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो सेम इसका क्या किया मैंने एक ड्रॉइंग बना ली ट्रेस करके आप स्केच करके इसको बना सकते हो सेम ये चीज मैंने बना दी अब इसमें क्या होगा अगर मेरे पास ये कटआउट है तो हम इसकी हेल्प से फोल्ड करके देख सकते हैं कि बॉक्स बनेगा या नहीं तो यहाँ पे जितने भी ये शेडेड पार्ट्स हैं सॉरी जो ये डॉटेड लाइन्स है इसको हमें करना है फोल्ड सो ये किया इस तरह से फोल्ड ये यहाँ से फोल्ड हुआ इसको भी फोल्ड कर दिया ऑल्सो यहां से इसको फोल्ड कर देंगे एंड नीचे से इसको फोल्ड कर दिया अब जब मैं इसको बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगी तो आप देखोगे इस तरह से एक बॉक्स हमारे पास आ जाएगा ऊपर से भी यहां से भी कवर्ड है यहां से भी कवर्ड है और चारों साइड से कवर्ड है सो दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट उसने कटिंग बनाई है या फर्स्ट जो उसने बताया है हमें उससे वी विल गेट अ बॉक्स ठीक है नेक्स्ट बी पार्ट में आ जाते हैं सो बी पार्ट की भी सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग बना ली है करेक्ट अब पे क्या है फिर से देखते हैं पहली बात तो देखो अगर हम इसकी कटिंग नहीं भी बनाते तो आप देख सकते हो इसमें स्लैंटिंग लाइंस है तो अगर लाइंस है तो उसमें कटिंग्स का बॉक्स बनना इज नॉट दैट इजी सो क्या करेंगे फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोल्ड कर लेते हैं जहां पे भी डॉटेड लाइंस थी इस तरह से हमने इसको जहां जहां भी डॉटेड लाइंस थी उसको फोल्ड कर दिया अब अगर मैं इसको बंद करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो ये बॉक्स नहीं बन पाएगा वाई बिकॉज स्लांटिंग लाइंस है हमें अगर बॉक्स बनाने तो एक रेक्टेंगुलर लाइंस चाहिए होती है हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए होती सो दैट मीन्स बी पार्ट से बॉक्स नहीं बन पाएगा मूविंग टू द सी पार्ट अगेन सी पार्ट में हमारे पास इस तरह से दे रखा है, ठीक है आप देख सकते हो सेम इसकी तरह मैंने पे हाँ पे बना so, same चीज़ करेंगे, fold कर देते, जहां -जहां पे, dotted lines है, है? We'll ठीक अब इसका अगर बनाने की कोशिश करे, तो simply देखो यहाँ पे तो बहुत आराम से बॉक्स बन गया है ना सो दैट मीन सी पार्ट में भी बॉक्स बन जाएगा सो हे वी का जो कटआउट है उसमें बॉक्स बन जाएगा डी पार्ट पे आ जाओ डी पार्ट का कट आउट है इस तरह से देखो अगर हम वैसे भी देखने की कोशिश करें तो आप ये देखोगे जो एक्स्ट्रा फ्लैप है वो सिर्फ एक है मतलब अगर ये बॉक्स बनता भी है तो वो सिर्फ एक साइड से कवर होगा ठीक है फिर भी ट्राई कर लेते हैं जितनी डॉटेड लाइंस हैं उनको फोल्ड कर लेते हैं लाइक दिस इस तरह से फोल्ड कर लिया अब अगर मैं ये पार्ट का बॉक्स बना भी दूं तो यहां से जो फ्लैप है देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना इधर ये पार्ट निकल रहा है और यहां से ये वर्ड ही नहीं है सो दैट मीनस डी पार्ट में भी बॉक्स नहीं बन पाएगा ओके okay? सो so आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हमारा ए पार्ट और सी पार्ट है जिससे बॉक्स बना और बी और डी पार्ट में बॉक्स नहीं बना सो दिस वॉज पेज 126 लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज